बेमौसमी मीह दे कारण फसलां दे नुकसान जाण तों बाद परेशान किसान दे वल्लों नहर दे विच छाल मार के आत्म हत्या कर ली गई। घटना श्री मुक्तसर साहिब दी है जिथे कि एक 65 साला किसान दे वल्लों नहर दे विच छाल मार के खुदकुशी कर ली गई। दस दिए कि मृतक दे पिंड वासियां दा कहना है कि वह काफ़ी फसलों के नुकसान जाण तों बाद काफ़ी परेशान चल रहा है, डिप्रैशन का शिकार हो चुका सी। हो सकता है इस कारण उसके वल्लों अजिहा कदम उठाया गया हो। दस दिए कि उन्होंने कहना है कि 25 किले ठेके से लैके साधु सिंह ना दे किसान दे वल्लों जिहड़ी है 25 किले ठेके से लैके खेती की गई सी, जिस तों बाद पिछले दिन बेमौसमी मीह के कारण गड़ेमारी हुई सी, मीह पिया से जिसके कारण उसकी फसलों काफ़ी हद तक नुकसानियां गई से, जिस कारण वो परेशान चल रहा है। जिस तो बाद उसके वालों अजिहा कदम चुकया गया, उसके वालों नहर के छाल मार ली गई है। दस दिए कि मृतक की पछाण 65 साला साधु सिंह के नाते हुई है। उत्थे ही इस संबंधी पुलिस अधिकारियों का कहना है कि परिवार वालों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं, उस तो बाद जो भी बयान उन्होंने वालों लिखाए जाएंगे उस तो बाद बनती कार्रवाई की जाएगी। तो भी सुनो इस संबंधी मृतक के पिंड वासियों का की कहना है। मेरे पिंड का साधु सिंह है जी, एक किसान, उन्होंने वालों 25 किले ठेके से जमीन भी ले गई सी। पिछले दिन गड़ामारी के ज़्यादा ही कणक नुकसान ही गई, वैसे तो सारे तो कुदरत दे कैरट आए, उन्होंने तो ज़्यादा नुकसान हो गया, डिप्रैशन लै गए, महंगा ठेका जी भरया, वैसे वो डिप्रैशन के करके उन्होंने अज नहर के डेड बॉडी मिली है। उन्होंने परिवार के कौन कौन? उन्होंने 2 बेटे है जी। किन्नी किन्नी उम्र? उन्होंने बेटे लगभग 1 25 साल के करीब है, 1 27 30 साल। इन्हों की किन्नी उम्र? इन्हों की 65 साल के करीब सी। ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਜੋ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਈ ਹੈ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਦੀ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ, ਪੁੱਤਰ ਸਤਾਬਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਮਰ ਕਰੀਬ 65 ਸਾਲ, ਵਾਸੀ ਭਲਾਈ ਵਾਲਾ ਜੀ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਸਰ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਜੀ, ਪਰ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਊਗਾ ਉਹ ਜੀ ਵੈਸੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। बेमौसमी मीह के कारण फसलों के नुकसान जाने तो बाद परेशान किसान दे वल्लों नहर दे विच छाल मार के आत्महत्या कर ली गई। घटना श्री मुक्तसर साहिब दी है जिथे कि एक 65 साला किसान दे वल्लों नहर दे विच छाल मार के खुदकुशी कर ली गई। दस दिए कि मृतक के पिंड वासियों का कहना है कि वह काफ़ी फसलों के नुकसान जाने तो बाद काफ़ी परेशान चल रहा है, डिप्रैशन का शिकार हो चुका सी। हो सकता है इस कारण उसके वल्लों अजिहा कदम उठाया गया हो। दस दिए कि उन्होंने कहना है कि 25 किले ठेके से लैके साधु सिंह ना दे किसान दे वल्लों जिहड़ी है 25 किले ठेके से लैके खेती की गई सी, जिस तो बाद पिछले दिन बेमौसमी मीह के कारण गड़ेमारी हुई सी, मीह पिया से जिसके कारण उसकी फसलों काफ़ी हद तक नुकसानियां गई से, जिस कारण वो परेशान चल रहा है। जिस तो बाद उसके वालों अजिहा कदम चुकया गया, उसके वालों नहर के छाल मार ली गई है। दस दिए कि मृतक की पछाण 65 साला साधु सिंह के नाते हुई है। उत्थे ही इस संबंधी पुलिस अधिकारियों का कहना है कि परिवार वालों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं, उस तो बाद जो भी बयान उन्होंने वालों लिखाए जाएंगे उस तो बाद बनती कार्रवाई की जाएगी। तो भी सुनो इस संबंधी मृतक के पिंड वासियों का की कहना है। मेरे पिंड का साधु सिंह है जी, एक किसान, उन्होंने वालों 25 किले ठेके ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਗੜਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕਣਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਗਈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਹਿਟ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਲੈ ਗਏ, ਮਹਿੰਗਾ ਠੇਕਾ ਜੀ ਭਰਿਆ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੇਟੇ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਲਗਭਗ 1 25 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, 1 27 30 ਸਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ 65 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਗੀ। ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਜੋ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਈ ਹੈ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਦੀ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ, ਪੁੱਤਰ ਸਤਾਬਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਮਰ ਕਰੀਬ 65 ਸਾਲ, ਵਾਸੀ ਭਲਾਈ ਵਾਲਾ ਜੀ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਸਰ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ, ਪਰ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਊਗਾ ਉਹ ਜੀ ਵੈਸੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ।